अभी काफी गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे पूरे देश पे एक संकट सा छा गया है। और हमारे पीछे देख सकते हैं कितने बाल्टी और जितने जो भी प्रकार के वो ऐसे बर्तन है, और पानी के लिए लोगों को इतने मजबूर कर दिए हैं भगवान ने। और सबसे बड़ी बात हम कहेंगे, भैया चुप रहो ना, थोड़ा सा चुप रहो ना। हम एक और बात कहेंगे कि जब चुनाव का समय होता है, कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव था, बड़े बड़े वादे कर करके जो मंत्री गए ना, उन मंत्रियों को ये चीज ध्यान नहीं आ रहा है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जनता किस हालात में है, हमारी जनता की क्या परेशानी है। और जितने भी देखिए चाची दादी, देखिए जो चलने के लायक नहीं है वो भी अपने साथ बर्तन लेकर के आज सड़क पर उतर गए हैं। और ये सड़क पाली से जहानाबाद का एकमात्र है, और ये चंडोस मठिया का नजदीक में पुल है, और इसी पुल के माध्यम से, और ऐसे नीचे में पुनपुन नदी है, वो पुनपुन नदी भी सूख गई है। अब पानी के लिए लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया, इतने मजबूर हो गए ना कि सड़क पर उतर गए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, अब जीवन नहीं। अच्छा दादी का कुछ होल है आज सड़क पर आके लिए? यही पानी के बड़ी दुख है, पानी बिनु कलहतै की, हाँ पानी बिनु ज्यादा कलतै की ना। तो सरकार तो नल जल योजना चले, नल जल चले ना है, पानी ही ना, हमारा पानी ही ना है, समझ ला। आज हम रोड न या गोरे आई बाबू, अब बाकी हम पानी बिनु खखने की त यहां पर चले। कितना देरी से मतलब खड़ा है? खड़े तो इला सवेरे सुबह से। अच्छा चाची चाची, जब सरकार चुनाव रहा है तो खूब आवत है हाथ, हाँ, हाथ जोड़ या यदि करी सब भुला के ना कि जनता हमर मरी थे कि जीत है। आदमी से तनी गो से आन तकले पानी बिनु फकनी ते मरी थे, जानवर भी सब पानी बिनु सगर बिंटल चले थे। तो ऐसा सरकार को का कहम, का कहम, चुतिया बनाए माओ का चुतिया है कि हम जब जनता से वोट ले लेते हैं, जनता पर ध्यान न देते हैं, कौन काम का वोट लेते हैं, काहे ला वोट देते हैं, इला काहे ला जीते थे, अकेले जीत गए। तो कितना कितना देर यहाँ पे खड़ा होल हो गए? हमरा तो चार चार तीन अथी पांच छह बजे से लेखा खड़े ही ला, पांच बजे से, हाँ भोर से। अभी तक कोई भी वैसे या तो विधायक सांसद कोई ना, कोई सामने ना, कोई सामने ना, कोई सामने ना। जब हम जब पूरा रोड जाम कर दिए हैं तब देखिए कि बरियारी सब गाड़ियों लेके जा रहा है, अथी कर रहा है, तो हम लोग पूरा रोरा आयाती सब रोड जाम कर दिए। देखिए पानी के लिए इतना लोगों की परेशानी बढ़ गई है कि मैं जो भी कम बोलूं सब कम पड़ जाएगा। जी बात वाला है, मुखिया है, सरपंच है, पंच है, सचिव है, किसी ने कोई नहीं आदमी बोल रहा है पाला, अब पानी ला सब आदमी खखर रहा है। ये जब बगीचा में 10 गाय मर गया, मेरा पानी रहता तो मर जाते, तो मर जाता था। काहे ऐसे कर रहा है बाट वाला मुखिया, सब कर रहा है, है कर रहा है। हम लोग सुनिए, हम पैसा वाला है तो हम सबसे उल करा लेंगे, गरीब है वो क्या करे। देखिए चाची ने बहुत अच्छी बात कहे कि अगर पैसा वाले हैं तो सब कुछ मिल जाता है, सही बात है, बिस्लरी का पानी भी पी लेगा, लेकिन जो लोग मजदूरी कर करके कमाते खाते हैं उनके लिए पानी भी आज मुश्किल हो गया, और उनकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं उतर पा रहा है लोगों को। और जो बतलाया जाता है कि पंचायत की प्रतिनिधि जो भी होते हैं, वार्ड हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, जब वो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं तो दूर की विधायक सांसद तो अलग सी बात है। एकदम परेशानी, एकदम बहुत दिक्कत है, एकदम पानी तक खखरी जा दी, हाँ वार्ड जीत के मुखिया जीत के अपना अपना घर में लेते, अपना ही के गोतिया है हाथन, हाँ तो अपने गोते तो हमार कोई काम करे, कोई काम ना करे दादन। अच्छा अपने पानी पी थी? जी ना। अच्छा देखिए अब पानी तो पी नहीं रहे, दूर दूर तक अभी जाम पड़ी हुई है, अब क्या? अच्छा अच्छा भैया तो पानी नहीं है तो इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है और कौन है सर, हम लोग कहाँ से करेंगे, नल नल है तो कहाँ से होगा सर, सरकार है, गांव प्रतिनिधि है। क्या कुछ चाची? चार गो पाँच गो भैंस के रूम मर गया, पानी बिनो आदमी तो एक दो गो मरा से तो मरबे किया, ऐसे आओ मरेगा दो चार गो, पानी के पानी के देखा दिया जाए कि कहाँ पानी मिल रहा ना है, पानी का समस्या तुरंत मंगाया, हम लोग तो मर गए पानी बिनो। देखिए जल ही जीवन है, अब जीवन जल नहीं तो जीवन बेकार है, वही हालात हो गई। एक तरफ आपने कल देखे कि किस प्रकार से ब्लॉक में आधार सेंटर पे कैसे जो लोग परिवार, जो छोटे छोटे परिवार के लोग थे, कैसे
एकदम मतलब समझिए तो मरे पड़े थे, और आज देखिए किस प्रकार से पानी को लेकर के सड़क पे उतर गए हैं वैसे लोग, स्थानीय लोग उतर गए हैं। क्या कुछ मामला होते हैं हम पूरी मामला को दिखलाएंगे बतलाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रोड बंद करने से सबके क्षति है, और पानी का व्यवस्था पब्लिक कौन करेगा, चाहे मुखिया करेगा या वार्ड सदस्य खाना का एस डी ओ करेगा, डीओ के यहाँ न जाइएगा, ये करने से क्या फायदा है, कोई फायदा है? अरे यहाँ गर्मी में लोग मर रहा है, हम लोग प्यास से मर रहे हैं सर, गर्मी का तो बात ही अलग है, अलग है बाढ़ एक है, सब एक है, सचू एक है, सब तो यही चीज है। हाल कर दीजिए सर, हम लोग के व्यवस्था कर दीजिए, हम छोड़ देते हैं, कर दीजिए अभी करवाइए, हम लोग पहले से पानी नहीं पिए रहते थे, आन भी नुरा जाएंगे, बाकी पानी भी नहीं, हम लोग नहीं कैसे बर्बाद हो जाएगा, कैसे बर्बाद हो जाएगा, आप लोग जैसा कूलर में हम लोग कर रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा, पानी ना पीता जानवर मरे थे, आदमी मरे थे, मारे थे जानवर, हम लोग के व्यवस्था करवा दीजिए।